खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 TV को सब्सक्राइब करें। दिल्ली की जामा मस्जिद में एक बार फिर नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में नमाजी सी डबाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जोरबाग इलाके में भी शुक्रवार को सी डबाली के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली में पुलिस और आरएएफ की टीम भी अलर्ट पर है। दिल्ली के सीलमपुर और जामा मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ विरोध को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए वो पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस ने कहा कि सीलमपुर, जामा मस्जिद, जाफराबाद, वेलकम और मुस्तफाबाद क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस सीलमपुर इलाके में ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आज दिल्ली में यूपी भवन का घेराव करेंगे। हिंसा के बाद यूपी में हुए पुलिस एक्शन के खिलाफ यूपी भवन का घेराव किया जाएगा। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आरोप लगाया कि यूपी में अब तक 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में कई दुकानें जब्त कर ली गई। 2100 लोगों के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहली बार हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की थाप पर उन्होंने बस्तर के आदिवासी कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। इस दौरान राहुल गांधी आदिवासियों के पारंपरिक टोपी और गले में ढोल डालकर बजाते और डांस करते नजर आए। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में पहुंचे राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि भाई को भाई से लड़ाने का देश में कोई फायदा नहीं है। सबको साथ लिए बिना अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। राहुल ने कहा कि जब तक लोगों की आवाज लोकसभा विधानसभा में नहीं गूंजेगी तब तक व्यवस्था नहीं बदल पाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर जाएंगी। 2 दिन तक प्रदेश पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका गांधी आज शाम 6:55 पर लखनऊ पहुंचेगी। 28 दिसंबर को कांग्रेस ऑफिस में पार्टी की स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगी। इसके बाद रणनीति कमेटी के साथ भी एक बैठक की जाएगी। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जगह जगह फ्लैग मार्च किया है। वहीं एहतियातन लखनऊ समेत प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों आगजनी, हिंसा, हत्या मामलों को लेकर योगी सरकार गंभीर है। विद्रोही ताकतों को कुचलने की खातिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI जैसे खुराफाती संगठनों पर अब योगी सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। यूपी में नागरिक संशोधन कानून की आड़ में बीते दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन में PFI के हाथ होने का खुलासा हुआ था, जिसमें यूपी में अब तक PFI के 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित संगठन सिमी के लोगों को भी PFI में शामिल होने का पता चला है। 13 राज्यों में सक्रिय है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। यूपी के DGP OP सिंह ने हिंसक झड़पों पर दर्ज मुकदमों की SIT जांच के निर्देश दिए। हर जिले में एडिशनल SP स्तर का अधिकारी SIT प्रमुख होगा। जिलों में एडिशनल SP क्राइम की अध्यक्षता में SIT बनाने के निर्देश दिए गए। जुमे की नमाज को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस अलर्ट पर है। जिले में जगह जगह पर सुरक्षा की चाक चौबंद बंदोबस्त है। शहर के सरवट, कच्ची सड़क, अस्पताल चौराहा, शिव चौक, मीनाक्षी चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। संवेदनशील जगहों पर पुलिस ड्रोन कैमरों से भी नजर बनाए हुए है। यूपी में हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। पुलिस ने यूपी में 498 लोगों की पहचान कर ली है। यूपी के सूचना जनसंपर्क विभाग ने लेटर जारी किया, जिसमें जानकारी दी है कि किस जिले में कितने लोगों की पहचान हुई। लखनऊ में 82, मेरठ में 148, संभल में 26, रामपुर में 89, फिरोजाबाद में 13, कानपुर नगर 50, मुजफ्फरनगर 73, मऊ 8, बुलंदशहर में 19 लोगों की पहचान हुई। पुलिस अब इन आरोपियों से जुर्माना वसूलेगी।
नागरिकता संशोधन कानून विरोध की आड़ में यूपी में हिंसा भड़काने के आरोपियों से क्षतिपूर्ति वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे यूपी में 130 लोगों को नोटिस भेजा गया, इनमें क्षतिपूर्ति के रूप में करीब 50 लाख रुपयों की वसूली होगी। वहीं पूरे यूपी में क्षतिपूर्ति के रूप में करीब 2,54,00,000 वसूली होगी। नोटिस में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर प्रशासन की तरफ से उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। रामपुर में प्रशासन ने 28 लोगों को नोटिस भेजा है, सरे संभल में 26, बिजनौर में 43, गोरखपुर में 33 लोगों को नोटिस भेजा गया। हिंसा के दौरान रामपुर में करीब 14.8 लाख रुपयों की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। वहीं संभल में 15 लाख और बिजनौर में 19.5 लाख का नुकसान हुआ। वहीं गोरखपुर में अभी अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। मेरठ से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ। ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि मेरठ के एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण का है। वीडियो में ये दिख रहा है कि एसपी काली पट्टी बांधने को लेकर खफा है। एनआरसी को लेकर हुए बवाल में मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण और एडीएम सिटी आग बबूला हो गए। एसपी सिटी अखिलेश नारायण ये कहते हुए वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं कि खाते यहां का है और विरोध भी करते हैं। यही नहीं, एसपी ने प्रदर्शनकारियों को जिंदगी काली करने का अल्टीमेटम तक दे डाला। रामपुर बवाल में फंसे बेकसूर पीड़ित परिवारों के साथ समाजवादी फैसल लाला ने एडीजी बरेली जोन से मुलाकात की। समाजसेवी फैसल खान लाला ने रामपुर बवाल में फंसे पीड़ित परिवारों के साथ एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्रा से मिले और उन्हें एक पत्र सौंपकर कहा कि 21 दिसंबर को रामपुर में हुए बवाल में सैकड़ों लोगों को मुकदमों में नामजद किया गया है और हजारों को अज्ञात रखा गया है। नामजद लोगों में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी आ गए हैं जो घटना के वक्त अपने घरों पर ही थे और न ही उनका कोई आपराधिक इतिहास रहा, लेकिन फिर भी किसी त्रुटि के वश उनका नाम मुकदमों में शामिल कर लिया गया। फैसल लाला ने कहा कि घटनास्थल पर हजारों लोग उलेमाओं के बुलाने पर गए थे, लोगों को जानकारी नहीं हो पाई कि उलेमाओं ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। सर, वहां जाना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जाए, वहां तक ये गलत होगा। संभल में 19 और 20 दिसंबर को हुई हिंसा को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 26 लोगों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है जिसमें करीब 12 लाख के नुकसान के आरोपियों की अचल संपत्ति से वसूल करने की बात प्रशासन ने कही है। डीएम ने बताया कि इन सभी आरोपियों की अचल संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी, साथ ही आगे भी इस तरह के आकलन कर लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उधर जुमे को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। लखीमपुर खीरी में भी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। लखीमपुर खीरी में सेक्टर स्कीम लागू की गई, पूरे जिले को सेक्टर जोन में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। डीएम और एसपी ने धर्म गुरुओं और शहरों के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठक भी की। वहीं थानाध्यक्ष को पीस कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण मेला मैदान के पास बने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, राज्य मंत्री महेंद्र सिंह, डीएमएसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान रैन बसेरे में मौजूद लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की, साथ ही रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि प्रदेश में इस वक्त ठंड का कहर बरप रहा है जिसको लेकर योगी सरकार एक्शन में है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को लगभग सभी उपलब्ध करवाई जाए सुविधाएं, साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए। यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में दरअसल ठंड का प्रकोप जारी है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन भी कई कदम उठा रहा है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने गुरुवार रात ट्रॉमा सेंटर स्थित रैन बसेरे में कंबल बांधे और वहां रह रहे लोगों का हालचाल जाना। दौरे में उनके साथ कमिश्नर इंद्रमणि त्रिपाठी, अपर जिला अधिकारी और कई अधिकारी साथ रहे। बांदा में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने पीएचसी का निरीक्षण किया। इसके साथ ही राजकीय विद्यालय का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मंत्री ने साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मरीजों से बातचीत की और शिकायतें मिलने पर सीएमओ को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने थाने का भी निरीक्षण किया और पुलिस विभाग को अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। फर्रुखाबाद में रेलवे बोर्ड की स्थायी समिति के सदस्यों ने बैठक की। बैठक में सांसद मुकेश राजपूत और बसपा से राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने
फरुखाबाद से कायमगंज के बीच यात्री सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। वहीं कानपुर फरुखाबाद कासगंज में रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण की मांग भी उठाई गई। बैठक में कई ट्रेनों को शुरू करने और कई रूटों का विस्तार करने के सुझाव भी दिए गए। वहीं इज्जतनगर के ADRM ने कहा कि इन सुझावों को संबंधित कार्यालयों में भेजा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि यात्री को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नया एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होने वाला है जिसमें डॉक्टरों को सिखाया जाएगा वो उन लोगों का इलाज कैसे करें जो ये दावा करते हैं कि उन पर भूत का साया है या फिर जो ये कहते हैं कि वो भूत को देख सकते हैं। 6 महीने का यह कोर्स नए साल में जनवरी के महीने से शुरू होगा। इस कोर्स का मकसद गांव देहात में फैले अंधविश्वास को दूर करना है। इसे गृह चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। अधिकारियों का कहना है कि इस कोर्स में साइको सोमेटिक डिसऑर्डर के बारे में खास तौर पर पढ़ाया जाएगा जिसे कई बार असामान्य घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। ये कोर्स आयुर्वेद विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा। बाराबंकी के थाना देवा इलाके में इंसाफ न मिलने पर एक महिला ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। काफी समझाने के बाद उसे नीचे उतारा गया। पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती सुनाई। महिला ने बताया कि पति की मौत के बाद से उसके ससुराल वाले उसे तरह तरह की यातनाएं देते थे। उसकी बेटी के इलाज के लिए भी ससुराल वालों ने पैसे नहीं दिए जिससे परेशान होकर वो थाने पहुंची। वहां भी उसे न्याय की जगह गलत नजर से देखा गया जिससे परेशान होकर वो पानी की टंकी पर चढ़ गई। अपर पुलिस अधीक्षक और RS गौतम ने महिला की शिकायत पर हेड कांस्टेबल नियाज को निलंबित कर दिया है तो वहीं महिला को वैधानिक कार्रवाई का भरोसा दिया है। गाजियाबाद के डासना गेट बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक ज्वेलर की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया है। बताया ये जा रहा है कि एक ज्वेलर ने दिल्ली गेट निवासी ज्वेलर को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लोड करने के लिए दी थी। इसके बाद एकाएक गोली चल गई जिससे पड़ोसी ज्वेलर की मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला हत्या का है या गैर इरादतन हत्या का ये जांच का विषय है। यूपी के एटा में लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। घटना के बाद जब लड़की का परिवार आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचा तो आरोपी के परिवार ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं गैंगरेप का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गोंडा में RI राजेंद्र कुमार की संदिग्ध हालातों में उनके आवास पर मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि गुरुवार देर रात लगभग 10:30 बजे खाना खाने के बाद RI की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फिर उनकी पत्नी और बेटे की तबीयत भी बिगड़ने लगी। बेटे ने बाहर निकलकर लोगों को बताया तो सभी लोग आनंद फानन तीनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे लेकिन यहां RI को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी और बेटे की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस RI के शव को कब्जे में ले चुकी है और जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। गोंडा के थाना छपिया के तालागंज के जंगल में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक युवक का घर से लकड़ी काटने के लिए वो दरअसल जंगल गया था लेकिन देर रात तक युवक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। रात में ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस बल मौके पर मुआयना कर वापस लौट आई क्योंकि ये जंगल छपिया खोड़ारे थाने की सीमा पर पड़ता है। सीमा विवाद की वजह से दोनों थानों की पुलिस सुबह घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुट गई है तो वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। कन्नौज के छिबरा मऊ के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले मंडी निरीक्षक सुरेश चंद्र चौहान के घर में हुए धमाके में घायल सुरेश चंद्र की बहू सोनम चौहान ने भी लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 15 दिसंबर को हुए ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई। कुछ दिन पहले ही गंभीर रूप से घायल सुरेश चंद्र की पत्नी बेटा बेटी और किराएदार आशा और उसकी बेटी ने भी लखनऊ के SGPGI में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। विकास नगर में अपनी मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खंड विकास कार्यालय से बाजार तक रैली निकाली। इस मौके पर सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपने मानदेय बढ़ाए जाने की आवाज को बुलंद किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मानदेय नहीं बढ़ाया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। बेहद कम मानदेय में उनसे अन्य विभागों का अतिरिक्त कार्य भी करवाया जाता है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को कक्षा एक से पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को रिसर्च करने का मौका दिया जाएगा। यह विश्वविद्यालय कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में खोला जाएगा। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे इस विश्वविद्यालय की आधारशिला देवरिया जनपद के सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने रखी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए यूपी के कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। यूपी के कई जिलों में 12वीं तक स्कूल 28 दिसंबर तक बंद है तो कई स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। लखनऊ, प्रतापगढ़, रामपुर, सीतापुर, महोबा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, पीलीभीत, संत कबीरनगर, कानपुर, मऊ, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, झांसी, बलिया, जालौन, गोंडा में 28 दिसंबर तक स्कूल बंद है। वहीं सोनभद्र में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश है। मुजफ्फरनगर में भी प्रशासन ने 1 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद करने का आदेश जारी किया है। गंगोत्री धाम में इन दिनों करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी है। तापमान -6 डिग्री से कम है, जिसकी वजह से गंगोत्री धाम में रह रहे साधु समाज समेत मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी और कुछ मजदूर लोगों को बेहद परेशानियों से दूचार होना पड़ रहा है। धाम में करीब 1 महीने से बिजली और संचार सेवाएं ठप पड़ी हैं। ठप होने के कारण यहां एक साधु की भी मौत हो गई। बिजली और संचार सेवा न होने से गंगोत्री धाम का साधु समाज देश दुनिया से बिल्कुल अलग थलग सा पड़ गया है। देश भर में CAA, NRP और संभावित NRC को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है कि जगह हिंसा के बाद अब BJP ने इससे निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है। लोगों के मन से CAA और संभावित NRC का डर निकालने के लिए BJP ने देश भर में कमेटी गठित कर मैदान में उतार दी है। NRC और CAA को लेकर उत्तराखंड के तर्जा मंत्री राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम अपने लोगों को नागरिकता देने का काम करेगा, ना कि नागरिकता छीनने का। ऐसे में लोगों को जागरूक होना होगा। बिना जानकारी के इस बिल पर हंगामा कर रहे लोगों को शांति से विचार करना चाहिए। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में NSS के कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन इंपैनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बैनर तले किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर पतंजलि योगपीठ के प्रतिनिधि डॉक्टर राधिका नागरथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कई योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण कर रही हैं। इसके लिए महिलाओं में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उत्तरकाशी जनपद में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से दरअसल यमुनोत्री मार्ग पर हनुमान चट्टी विधायक केदार सिंह रावत और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 7 दिवसीय गुलाबी कांटा स्नो स्कीइंग प्रशिक्षण दल के 25 सदस्यों को रवाना किया। हनुमान चट्टी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रावत ने यह कहा कि साहसिक पर्यटन स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक बेहतरीन साधन है। इस क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन को विकसित करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करना और आगे बढ़ना जरूरी है। कटघरिया के पास गन्ने के खेत में अचानक बाघ का शावक आ गया, जिसे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही शावक को देखा उनके होश उड़ गए। लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग ने शावक का रेस्क्यू कर उसे बाघिन के पास पहुंचाया। हल्द्वानी वन प्रभार के नाधूर सेंचुरी में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब वन विभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तर्ज पर बाघों के संरक्षण के लिए नंदूर सेंचुरी में टाइगर सेल तैयार कर रहा है। टाइगर सेल के माध्यम से बाघों के वास स्थान, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की पूरी निगरानी की जाएगी। टाइगर सेल के तहत 40 वनकर्मियों को बाघों के संरक्षण के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वनकर्मी ऐप और GPS ट्रैकर के जरिए वनों में गश्त कर बाघों की जंगल में मौजूदगी की दर्ज करवाएंगे। यही नहीं, बाघों के वासस्थल के लिए वन विभाग द्वारा ग्रासलैंड और तालाब का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे बाघों के लिए पर्याप्त भोजन मिल सके और वन्य जीवों की संख्या में इजाफा हो सके। नए साल के स्वागत में होने वाले आयोजनों को लेकर कॉर्बेट लैंडस्केप में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जश्न के दौरान शिकारियों और बावरिया गिरोह के कॉर्बेट लैंडस्केप में दाखिल होने की आशंका के चलते सभी वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द करते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। हर आने जाने वाली गाड़ियों को वन चौकियों पर बिना चेकिंग नहीं जाने दिया जाएगा। रेंजरों से अपने अपने क्षेत्रों में तैनात रहने को कहा गया है। कॉर्बेट के बिजरानी, झरना, कालागढ़ क्षेत्र में शिकारियों की घुसपैठ की सर्वाधिक आशंका है। ऐसे में CTR प्रशासन ने सभी वनकर्मियों को अलर्ट कर दिया है। कॉर्बेट में ई सर्विलांस सिस्टम के जरिए जंगल की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। केदारनाथ धाम में PM नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट न्यू केदारपुरी का पुनः निर्माण कार्य अत्यधिक बर्फबारी के चलते फिलहाल ठप हो गया है। अत्यधिक बर्फबारी की वजह से पानी और विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई, जिसके चलते धाम में रह रहे सभी मजदूर और पुलिस के जवान भी वापस लौट आए। लगभग 7 से 8 फीट बर्फबारी होने से वहां ठहरना और काम करना दोनों ही मुश्किल हो गए। अब प्रशासन भी बर्फ कम होने का इंतजार कर रहा है।
ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर हिंडोल खाल के पास के ऑल वेदर परियोजना निर्माण के दौरान पहाड़ दरकने से भारी मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क बाधित हो गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हाईवे बंद होने के साथ ही काफी परेशानी हो रही है। लगातार पहाड़ी दरकने से मौके पर खड़ी जेसीबी मशीन भी काम नहीं कर पा रही। लगातार टूटते और दरकते रहने वाले इस जगह पर सर्च लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध का हीरो लड़ाकू विमान MiG-27 आज वायुसेना से रिटायर हो गया। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में 7 लड़ाकू विमानों ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस दौरान वायुसेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। विदाई के दौरान MiG-27 को सलामी भी दी गई। MiG-27 ने 3 दशक तक भारतीय वायुसेना की सेवा की। जोधपुर एयरबेस पर हुई इस डी इंडक्शन सेरेमनी में वायुसेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। वायुसेना में अब MiG-27 की जगह MiG-21 लड़ाकू विमान ले सकता है। कजाकिस्तान में 16 लोगों को ले जा रहे विमान का क्रैश हो गया। अल्माटी एयरपोर्ट के पास से यह हादसा हुआ। हादसे में अभी तक 14 लोगों की मौत हो गई है। उड़ान भरने के फौरन बाद यह हादसा हो गया। विमान एक इमारत से टकराकर कई हिस्सों में टूट गया। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। विमान में 95 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। फिलहाल विमान हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। इथियोपिया में हजारों मुस्लिम मस्जिदों को जलाने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ उपद्रवियों ने इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा से 350 किलोमीटर दूर मुट्टा कस्बे में 4 मस्जिदों में आग लगा दी, जिसे लेकर अब मुस्लिम न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर कमिल शेमू ने कहा है कि वहां पर कई राजनीतिक लोग हैं जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। पेट्रोल की कीमत में आज भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज पेट्रोल के दाम में 6 पैसे तो वहीं डीजल के दाम में 16 पैसे तक की बढ़ोतरी दिखाई पड़ी। नई कीमतों के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 74 रुपए 74 पैसे जबकि डीजल के दाम 67 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 162 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, HDFC बैंक और HDFC के शेयरों में बढ़त सेंसेक्स में, इससे तेजी आई। रॉयल एनफील्ड कंपनी अपने ग्राहकों के लिए नया प्रोग्राम लेकर आई है। राइड शिप नाम के इस प्रोग्राम में बेसिक प्लस और प्रीमियम पैकेज रखे गए हैं। इन पैकेजेस के जरिए कंपनियां अलग अलग तरह के वारंटी प्लान देगी। डीलर्स का कहना है कि मॉडल्स और शहर के हिसाब से पैकेज की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। प्रतिबंध की मार झेल रहे पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और क्रिकेट प्रशासकों से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि काफी वक्त से उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया भर में कई लोगों से संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की गुजारिश की है, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ ने बोर्ड के हेडक्वार्टर्स पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने NCA से जुड़े मसलों पर बात की। NCA से हाल ही में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का फिटनेस टेस्ट करने से इनकार कर दिया था। बुमराह चोट के बाद वापसी को तैयार है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का प्रस्तावित 4 देशों के टूर्नामेंट का विचार उसी तरह से नाकाम साबित होगा जैसे Big 3 मॉडल हुआ था। इस पूर्व विकेट कीपर को लगता है कि इससे भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें अन्य सदस्य राष्ट्रों को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। फिल्मों और टीवी में काम कर चुके अभिनेता कुशल पंजाबी के फैंस के लिए बुरी खबर है। 37 वर्षीय कुशल की मौत से हर कोई सदमे में है। कुशल पंजाबी ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। बीती रात उनका शव घर पर फांसी पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में मौत के लिए किसी को जिम्मेदार हालांकि नहीं बताया है। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान आज अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान खान के बर्थडे बैच में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा। एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी से लेकर बॉलीवुड के तमाम सितारे इस पार्टी में शरीक हुए। सलमान खान की बहन अर्पिता खान, बेटे आहिल संग नजर आई। वहीं डेजी शाह, उर्वशी रौतेला, पुलकित सम्राट, प्रीति खरबंदा और रवीना टंडन अपने पति संग सलमान खान की पार्टी में पहुंचे।